ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। टिकरी बॉर्डर पापा बैठे आ रो कांगरा भाई, एक साइड किसानों का आंदोलन चल रहा, आंदोलन मरला भी खत्म नहीं होया, इतने किसान नहीं उठते, उठते हम भी कोने भाई अड़े भी हम भी पंजे कड्डे बैठे हैं। और जो भी ताज़ा खबर आवे अपनी पूरी कोशिश रहे आप तक जानकारी पहुँचाने की। बलराज कुंडू विधायक निर्दलीय कल भी आए थे, आज फिर आ गए हैं उसे टाइम, यानी रात के छोड़ गुदड़े हैं तो पाछा दरी हैं छोड़ लाइन में अड़े धरती है मसीदे देसी देसी साहब से। तो कुंडू साहब राम राम जी। राम राम है जी, राम जी हो, बिल्कुल बढ़िया एकदम। अच्छा एक बात तो पहले तो यह पूछूंगा, यहाँ और राम है कहते हो तो मास्क कर न्यूजनू बांस आवा अपने हरियाणा वाले मनसा में आप आते देसी मनसा जो बैठ जो यूके का मानस देसी हूँ, मैं देसी किसान घर पैदा हो रहा हूँ, मन मानसा में तो खुशबू आओ बुदबू ना आती। ये मेरा भाईचारा, मेरा परिवार, मेरा किसान फैमिली बैठी है यहाँ पे, और भाइयों में जो है ना इसी प्रकार से बैठा जाता जो मैंने सीखा अपनी संस्कृति में। सही बात जी। केला का कल भी आप आए थे, आज आगे कुछ फर्क पड़ा कल में और आज में? ये आप देख दो, हर रोज जो जोश है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे भाई जो बैठे हैं सारे किसान नेता हमारे, इनके संघर्ष से आज एक पूरा लोगों के अंदर एक हर रोज नई जोश के साथ नई उमंग के साथ लोग बढ़ रहे हैं, रोज संख्या बढ़ रही है। और ये आने वाले समय में अगर सरकार ने और देर करती है तो ये जन सैलाब पूरे प्रदेश के अंदर नहीं देश के अंदर ये किसान खड़ा हो चुका है, और सरकार को इसकी देरी ना करते मैं तो यही निवेदन करता हूँ, इनकी मांगों को मांगते हुए किसानों से माफी मांग के जल्दी से इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आज अन्नदाता रोडों पे सड़कों पे है, काम का टाइम था, बिजाई का टाइम था, और आज ये अपने हक के लिए, ये सत्ता के लिए नहीं आया, ये अपने हक के लिए, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज आया है। आज जिस प्रकार की ओछी हरकतें करके ये भाजपा के नेता और जिस प्रकार के आतंकवादी खालिस्तान जैसे ओछी बातें करके इनको बदनाम करने की बात कर रहे हैं, ये बात कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी इन चीज़ों से आगे निकल कर। आज पूरा देश का किसान एकजुट हो चुका है, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ इन सारी चीज़ों को छोड़कर आज किसान के साथ में खड़े होकर उनकी मांगों को मांगते हुए किसान से माफ़ी मांगने का काम करें। कुंडू साहब एक चीज़ और, रोड रोड को नहीं, ठंड का तक घना खतरा, 6 बजे सीढ़ी लाग जाए चलन बूढ़े आदमी तो डाटा चढ़ लिया बेचारे। बिल्कुल, रात को मैं यहीं था और मैंने वो माहौल देखा है, मैंने अपने बुजुर्गों सोते हुए पूरी रात में, मैं 1 बजे के बाद मैं बिस्तर में लेटा था यहीं पे जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं था, बिल्कुल। तो मैंने देखा किस प्रकार से मेरे बुजुर्ग इस कड़कती ठंड के अंदर और कोरोना महामारी के दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ अपने हकों के लिए बैठे हैं, ये इस बात को देखते हुए सरकार को तुरंत प्रभाव से अपना निर्णय लेना चाहिए और किसानों को जो है ना उनके घर पे भाई जी हाथ जोड़ के माफी मांग के इनको भिजवाने का काम करना चाहिए। सरकार ना लाखों की भीड़ क्यों नहीं दिख रही, यानी समझ में आ रही उन तक न्यूज नहीं पहुंच रही, अगर जमा आँखें मीच के सोए गए अखबार, इतने 5 लाख प्लस किसान आ रहे हैं और डेली आंदोलन बढ़न लग रहा है, यूं भी खतरा हो रहा है गण तो बोले हरियाणा सारा उठा तो अभी तस्लिन दिल्ली उठा ले जाएंगे। मैं तो बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ, इस किसान का बेटा ही देश के बॉर्डर पर रक्षा कर रहा है और इस किसान का बेटा ही यहाँ पुलिस की वर्दी पहने खड़ा है, और ये टाइम बीत रहा है कि वो दोनों बिगड़ गए तो इसकी देश की अंतरिम और बाहरी दोनों सुरक्षा खतरे में पड़ जाएंगी। तो इस केंद्र सरकार को इस पर तुरंत विचार करके किसानों से माफ़ी मांग के ही इनके हक इनको देने का काम करना चाहिए। कुछ लगा अपना मतलब यू भीड़ डेली बढ़ती जान लग रही है भाई, मानने की सरकारी भी हो तो एक बात पढ़ रहे हैं भाई, समझावांगे तो इतने किसान हैं तो समझने का मूड महीने तो बिल्कुल आर पार खेत रह रहे हैं। मैं एक आज जो है ना एक पुराना बयान में देख रहा था, राजनाथ जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जंतर मंतर पे भारतीय किसान यूनियन ने एक प्रदर्शन किया हुआ था और उसमें राजनाथ जी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरे देश का किसान एक किसान भी जब मुझे आवाज़ दे के बुलाएगा मैं उसके पास दौड़ा चलाऊंगा। आज ये किसान अन्नदाता अपनी मांगों के लिए बैठा है और सांसद साथ में है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को इनकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, लेकिन अगर ये किसान बिगड़ गया तो इस देश का सिस्टम बिगड़ जाएगा। आज मैं राजनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूँ, आदरणीय हमारे वो सम्मानित बड़े नेता हैं, कि अपनी उस बात को याद करके उस टाइम में मात्र 5,000 किसान बैठे थे, आज तो 5 लाख किसान जो ना सड़कों पर बैठा हुआ है, अपनी उस बात याद करके किसानों से माफी मांग कर इनके हक देने का काम करना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो 3 किसान इस आंदोलन के अंदर जो उनकी जाने के जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों को जो है उनका मुआवजा 1 करोड़ रुपए, उनके परिवार को नौकरी, और जितने
ये किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो मुकदमे भी दर्ज वापस करके इन किसानों से माफी मांगने का काम करे केंद्र और प्रदेश सरकार। मैं ये निवेदन करता हूँ, अन्यथा ये माहौल डे बाई डे बिगड़ता जा रहा है और ये काबू से बाहर हो जाएगा जब किसान जो है अपनी, अभी तो लोकतांत्रिक तरीके से किसान अपनी मांगों को मंगवाने के लिए यहाँ पे सड़कों पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है। कल को अगर ये नहीं हुआ तो अगर ये प्रदर्शन उग्र हो गया तो सरकार को समझ से बाहर हो जाएगा, किसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं मिलेगा उनको। जो बलराज कुंडू है विधायक, उनका कहना यू है, कल भी इस टाइम वो रह के बैठे थे, आज भी ठीक दिन से पढ़ना पहला अपनी सीट पर आके बैठ गए, यानी बिल्कुल धरातल और पर पूरे छोड़ गुदड़े उनके सबके धरे हैं और बार बार वो भी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करने लगे भाई जल्दी से जल्दी अपनी गलती की माफ़ी मान के और जनता से बोल कर के भाई हमारे गलती होगी और ये बिल हम वापस ले और किसानों के बीच आने का काम करो। जिस किसानों का साथ है वो किसान का सच्चाई माती है। तो भाई बने रही हो, जो भी उरे की अपडेट होगी टिकरी बॉर्डर की जो नई अपडेट होगी आपने देते रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करते रहो, किसानों तक दो एक घर बैठे उन तक ये आवाज़ पहुँचाओ और किसानों की आवाज़ उन्हें उठाओ, उन्हें बुलंद करो। जय जवान जय किसान।